Hi guys, myself Sabir and you're watching Essence Telemedia, and this video is going to be so special for all of you who is willing to earn money online. आज हम लोग पैसे ऑनलाइन पैसे कमाने के ऐसे ही एक तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है Amazon Influencer Program. हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि उन्हें इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो उनके लिए है ये. ओके सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, सपोर्ट दिखा दो. ओके मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज लाता रहता हूँ इस चैनल पे. सो Amazon Influencer Program आखिर है क्या? आप कितने पैसे कमा सकते हो Amazon Influencer Program से, क्या है एलिजिबिलिटी Amazon Influencer Program का, और आपको क्या करना पड़ेगा इससे पैसे कमाने के लिए, इन सभी चीजों इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं इस वीडियो में. ओके तो वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप किए कहीं आप कुछ मिस ना कर दो. ओके सो लेट्स गो. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट ऑकर्स इज, आखिर Amazon Influencer Program है क्या? क्या है Amazon Influencer Program? सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि Amazon Influencer Program एक प्रोग्राम है Amazon के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें वो क्या करते हैं, आपके पास अगर ऑडियंस है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो वो आपको अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का एक जरिया देते हैं. कैसे? वो आप अगर एलिजिबल हो जाते हो Amazon Influencer Program के लिए, तो वो आपको एक पेज देंगे, एक अपना वेब पेज होगा, लेकिन होगा Amazon का, लेकिन वो डिजाइन आपके मर्जी से होगा. उसमें आप अपने मर्जी से जो प्रोडक्ट चाहो लगा सकते हो, अपने व्यूअर के इंटरेस्ट के हिसाब से. और अगर आपका व्यूअर परचेस करता है उस आपके पेज से जाकर, आपके दिए हुए के लिंक से आपके पेज पे जाएगा, और अगर उधर से परचेस करता है और क्वालिफाइड परचेस होता है, मतलब घर तक उसके डिलीवर हो जाता है और वो रिटर्न नहीं करता प्रोडक्ट, तो उस पे आपको एक कमीशन मिलता है. कमीशन 9% से लेके 0.05% तक है, वेराई करता है किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है. ओके सो आपको समझ आ गया होगा कि Amazon Influencer Program है क्या. ये बस एक प्रोग्राम है जिससे अगर आप परचेस करवा देते हो Amazon का प्रोडक्ट्स अपने लिंक से, अपने पेज से, तो फिर आपको Amazon उसके लिए एक छोटा कमीशन देता है. ओके बहुत ही आसान और इजी तरीका है अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का. ओके आपका ऑडियंस कम है फिर भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं, एड्स नहीं तो कम से कम एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट लिंक से आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं. मोनेटाइज करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला हो गया एड्स और दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग. ओके तो ये एफिलिएट मार्केटिंग ही है, बस इसमें आपका अपना पेज होता है. ओके और सारे प्रोडक्ट आप एक बार में डिस्प्ले कर सकते हो, और अगर आपका व्यूअर खरीदता है तो आपको उसके लिए कमीशन मिलता है. बहुत सिंपल है. एंड क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन ऑकर होता है कि आखिर मैं कब क्वालिफाई करूंगा, मेरा एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफाई कैसे होऊंगा मैं. सो Amazon ने अपने वेबसाइट पे ये मेंशन किया है कि वो लोग हर तरीके के एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आप अगर अपना YouTube लिंक करना चाहते हो इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम से, या अपना Facebook, या आप अपना Instagram. और फिर वो लोग आपका एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करते समय वो लोग क्या चेक करते हैं, वो ये है कि आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं. ओके और आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट कैसा है, एंगेजमेंट मैट्रिक्स देखते हैं वो लोग, कि आपके पोस्ट पे लाइक्स कितने हैं, और कितने लोग उससे एंगेज हैं, कितने लोग उस पर कमेंट करते हैं, कितने व्यूज आए अगर आपका वीडियो है तो. ओके ये सब चीज वो लोग देखते हैं. उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि आप एलिजिबल हो तो आपको अलाउ करते हैं वो. ओके और अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो उसके बाद एक 3-step प्रोसेस है. ओके जिसे आप कंप्लीट करके एकदम रेडी टू अर्न हो जाते हो, कमाना शुरू कर देते हो, तो उसी दिन से कमाना शुरू कर दोगे. ओके जिस दिन एलिजिबल हो, तो वो 3-step प्रोसेस क्या है? पहला है बिल्डिंग योर स्टोर फ्रंट, सेकेंड एड प्रोडक्ट्स, एंड देन जस्ट शेयर एंड अर्न. बहुत सिंपल है. आपको अपना कस्टमाइज यूआरएल देगी कंपनी, और उसमें फिर आप अपना प्रोडक्ट्स डालोगे, जो भी आप प्रोडक्ट चाहते हो अपने व्यूअर के इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद आपको उसको शेयर करना है, और शेयर करने के बाद आपका अर्निंग स्टार्ट, उसी दिन से आपका अर्निंग स्टार्ट. ओके तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आखिर मैं कितना कमा लूंगा, क्या मेरा घर चल जाएगा, या मैं कितना कमा सकता हूं आखिर अगर मेरे पास ऑडियंस है तो. ओके तो ये वेराई करता है कैटेगरी टू कैटेगरी. ओके मैं सभी कैटेगरीज के कमीशंस आपको अभी बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी में कितने कमीशंस मिलते हैं, कितने परसेंट का कमीशन मिलता है. ओके सो Amazon ने अपने वेबसाइट पे ये चीज मेंशन की है. मैं Amazon की ऑफिशियल या इन्फ्लुएंसर वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम का, आप वहां से भी डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो कमीशन रेट्स. ओके सो Amazon ने मेंशन किया है कि अगर किचन अप्लायंसेस, किचन एंड हाउसवेयर होता है, तो उसमें आपको अगर आप सेल करा देते हो तो आपको 9% का कमीशन मिलता है. 9% जो कि
बड़ा कमीशन है गाइस। एक रिटेलर को मिलता है 20% से 25% ऐसे शॉप्स में बेचने के लिए अगर होलसेलर से खरीदता है तो, और यहाँ पे आपको अगर आप बिकवा देते हो तो आपको मिलता है 9% का कमीशन। ये कमीशन काफी अच्छा है। और अगर फर्नीचर, आउटडोर या DIY टूल है ऐसा कुछ आइटम है तो उसमें भी है आपके आपके लिए 9% का कमीशन अगर आप सेल करवा देते हो तो। एंड द नेक्स्ट इज ग्रोसरी एंड पेंट्री, उसमें 8% का कमीशन। अगर कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट है तो उसे अगर सेल करवा देते हो तो उसमें 8% का कमीशन। अगर होम एंड बेबी प्रोडक्ट है तो उसमें 6% का कमीशन। ऑटोमोटिव, लॉन, गार्डन, स्पोर्ट्स ऐसे कुछ आइटम है तो उसमें 6% का कमीशन। टेलीविजन, कंप्यूटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो उस पर है 5% का कमीशन। ओके, कमीशन काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। बुक्स है या फिर ऑफिस प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक प्रोडक्ट है, पेट्स प्रोडक्ट है या टॉय है तो उस पर भी है आपके लिए 5% कमीशन। ओके, एंड द नेक्स्ट इज अपियरल, कपड़े, लगेज, वॉचेस, शूज, उस पर भी है 5% का कमीशन। एंड द नेक्स्ट इज ज्वेलरी एक्सक्लूडिंग ओरिजिनल सिल्वर एंड गोल्ड, गारमेंट एंड किंडल ई बुक, उस पर भी है 5% का कमीशन। बाइसिकल, जिम इक्विपमेंट्स एंड टायर रिम, उस पर है 2.5% का कमीशन। ओके, एंड मोबाइल एसेसरीज, चार्जर वगैरह और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उस पर है आपके लिए 4% कमीशन। ओके, एंड डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस में है 1% का कमीशन। एंड गोल्ड सिल्वर कॉइन्स, ओरिजिनल गोल्ड सिल्वर कॉइन्स, उस पर है 0.2% का कमीशन। ओके, एंड उसके बाद जो भी और कैटेगरीज है उस पर है 5% का कमीशन पर। तो मेरे हिसाब से कमीशन रेट काफी ठीक ठाक है ऑनलाइन पैसे कमाने के हिसाब से, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस प्रोडक्ट प्रमोट करना है और अगर कोई खरीदता है तो आपके उसके लिए कमीशन मिलता है। तो आपको ना ही प्रोडक्ट स्टोर करना है, ना ही उससे परचेस करना है, फिर ना ही आप स्टोर फ्रंट में लगा के शो करना है किसी को, ना ही किसी का इंतजार करना है कि आएगा तो मैं बेचूंगा उसे। आपको सिर्फ उसे प्रमोट करना है और अगर खरीदता है कोई तो आपको कमीशन मिलेंगे। तो ये काफी अच्छा तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का। ओके, सो आप में से जितने भी लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन पैसे कमाने का तो गाइस गो फॉर इट, ट्राई करो, चेक करो अपना एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आज ही से शुरू करो कमाना। ओके, सो गाइस बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू दैट आई हैव अ व्लॉगिंग चैनल टू, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जिसपे मैं जल्द ही वीडियोज डालने वाला हूँ, जिसका नाम है साबिर फिट व्लॉग्स। ओके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से जाके एक सपोर्ट दिखा दो यार प्लीज। ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट, सपोर्ट दिखा दो, मैं जल्दी उस पर ब्लॉगिंग वीडियोस डालने वाला हूँ। ओके, और अगर आप चाहते हो ये जानना कि ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं और भी तरीके ऑनलाइन पैसे कमाने के, तो आप कमेंट करना, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ों में डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लो, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरा आईडी है इंस्टाग्राम साबिर फिट व्लॉग्स, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पूछ सकते हो। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना यार, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दो। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।